मैम आज सुशांत सिंह राजपूत को एक साल हो गया है, यादें बची है, कुछ बोले? इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं, इसलिए हर इंसान को जाग जाना चाहिए। श्रीदेवी जी इतनी बड़ी सुपर डुपर स्टार, मैं तो उनकी दीवानी थी, फैन पूरे देश भर, वो भी चले गए। सुशांत सिंह मेरा दोस्त, मुझे आज भी वो याद है, ज़रा नच के दिखा, हम लोग साथ में कर रहे थे, सुशांत सिंह ने कहा था, राखी यू आर माई क्रश, तभी तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोला है, क्रश क्या होता है क्या मालूम, डेट क्या है, क्रश क्या है, मुझे क्या मालूम है, मुझे उतना नहीं मालूम। मैं सोची पता नहीं कुछ तो बोला होगा, वो तो बाद में मैंने पूछा उस व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रश, फिर मतलब फिर जब, क्योंकि मेरा परदेसिया सॉन्ग आया था, उनको सॉन्ग मेरा बहुत पसंद था, वो कह रहा था कि मैं स्कूल में था, मैंने कहा जब तुम स्कूल में थे तो मैं बॉलीवुड में आई थी, हमारी उम्र एक जैसी है, एक आध साल ऊपर नीचे होगा, बहुत मस्ती मस्ती करते थे, वेरी जॉली पर्सन, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं है हमारे बीच, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शूटिंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं होगा अपने जिंदगी की माला को, यू नो, मोतियों को तोड़ रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा है। एक साल हो गया, वक्त कितना फास्ट भाग जाता है, हैं? पता भी नहीं चलता। मैं आज उसको याद करके यही सोच रही थी, मैं भी आज हूँ कल नहीं, क्या देश की जनता मुझे भी याद करेगी? हाँ, होता है ना, फैंस होते हैं ना, फैंस है तो हम हैं, जनता है तो हम हैं, वरना हमारी क्या औकात है? दुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने सुशांत के लिए दुआ करी है कि उसे ईश्वर परमेश्वर स्वर्ग में एक ऐसी जगह दे, जब हम जाए तो हम उसे देखें। मैं तो ऊपर जाऊंगी पर हाय सुशांत लेट्स डांस, क्योंकि जो मार दिया जाता है, जिनका वक्त पूरा नहीं होता है, उनके लिए गॉड भी आंसू बहाता है, जो जल्लाद लोग इस दुनिया में हैं, यू नो, ईश्वर करे जिनका जो वक्त पूरा होता है ना, मतलब कैसा है ना कि 100-150 साल के लोग यहाँ रह जाते हैं, और जिनकी जरूरत है। मैं दिलीप साहब के बारे में भी सोच रही थी, 100 साल के होने वाले हैं दिलीप साहब, वाओ। मैं शायरा जी को बोल रही थी, शायरा जी दिलीप साहब ने ऐसा कौन सा आटा खाया है हमें भी बताओ, बट इट्स अ वेरी इमोशनल कि शायरा बानो एक जीती जागती, यू नो, सावित्री है। मैंने आपको भी बताया था उसने, जो अपने पति की सेवा करती है, आजकल की बीवियाँ कहाँ अपने पति की सेवा करती है, उनको ऐसा लगा जल्दी निकल ले तो प्रॉपर्टी नाम पे हो जाए, जल्दी निकल ले तो। कुछ बीवियाँ जो सात फेरे लेती उसको निभाती है, कुछ बीवियाँ जो ईश्वर की तरफ से दी जाती है वो अच्छी बीवियाँ होती है, जो पति और पति का साथ निभाती है। जैसे एक बीवी थी जो कोरोना में अपने पति को मुंह में क्या कहते हैं, फूंक कर सांस दे रही थी, वो भी वायरल हुआ था, वो भी बहुत शॉकिंग था।